हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ हरे वाले बैगन और आलू की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ। बैगन की सब्जी तो आपने बहुत तरीके से बनाकर खाई होंगी, लेकिन एक बार आप हरे बैगन की सब्जी मेरे तरीके से बनाकर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, चले इसे बनाना शुरू करते हैं। हरे बैगन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है हरा वाला बैगन और आलू। आलू को अच्छे से छील लिया है मैंने और बैगन को भी धो लिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आलू और बैगन को हमें बहुत ही बढ़िया से धो लेना है। आलू को छील कर हमें कट कर लेना है, टमाटर को भी हमें रफली कट कर लेना है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। हरी मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं सब्जियों को मैंने कट कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो इधर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखना है। कढ़ाई अच्छे से गर्म होते ही इसमें मैंने डाला है 1 बड़े चम्मच करीब सरसों का तेल, और तड़के में मैं डालूंगी जीरा, मेथी और राई यानी कि काला सरसों, और तेजपत्ते को मैंने बीच से तोड़ लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है तो आप अपने मन पसंद के किसी भी कुकिंग ऑयल में इसे बना सकते हैं। तो जैसे ही जीरा का कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, प्याज, लहसुन और अदरक। इसको मैंने बहुत ही बारीक कट कर लिया है, और सारी चीजों को बारीक कट कर लेना है और इसे अच्छे से हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है जब तक कि प्याज का कलर सुनहरा ना हो जाए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्याज और लहसुन को मैंने लंबे टुकड़े में कट किया है। इस तरीके से अगर आप लहसुन सब्जी में डालते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है लहसुन का। जैसे ही प्याज थोड़ा सा भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे हींग। इस टाइम पे हींग डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है और हींग हमारा जलता भी नहीं है, अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बैगन की और भी सब्जी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैं रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर हमारा बहुत ही बढ़िया से चेंज हो गया है। तो इस टाइम पे हमें डालना है आलू और बैगन। आलू बैगन डालने के बाद इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक कि आलू का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। ये जो आलू बैगन की सब्जी है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कम मसालों से बनने वाली सब्जी है और बहुत ही मजेदार और चटपटी ये सब्जी बनकर तैयार होगी। आप एक बार मेरे तरीके से इस सब्जी को बना लेंगे ना तो हर बार बनाना पसंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं लगातार चलाते हुए आलू और बैगन को भून ली हूँ। तो अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें लगातार चलाते हुए थोड़ी देर आलू और बैगन को भून लेना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आलू का कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी मैंने रफली कट किया हुआ है। इस तरीके से डालने से जो टमाटर का फ्लेवर है ना सब्जी में बहुत ही बढ़िया सा आता है। तो आप इस तरीके से टमाटर को रफली कट करके ज़रूर डालें। तो आप देख सकते हैं टमाटर, आलू और बैगन अच्छे से भुन गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ सूखे मसाले इसमें डालने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच के करीब हम सारे मसाले डालेंगे, आधी छोटी चम्मच के करीब गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और ये है सब्जी मसाला और धनिया पाउडर। तो आधी छोटी चम्मच के करीब हमें सारे मसाले को लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इधर मसाला हमारा तैयार हो गया है और ये तीखी वाली लाल मिर्च है फ्रेंड्स, आप इसकी जगह पे कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं सब्जी अच्छे से हमारी भुन गई है, आलू का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तब हम इसमें डालेंगे ये सारे सूखे मसाले। तो बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे फ्रेंड्स और ये सब्जी ना बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो इस तरीके से हम मसाले डालने के बाद सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर से लगातार चलाते हुए भून लेना है ताकि मसाले थोड़े से पक जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं सब्जी हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी के करीब पानी। तो इस सब्जी को हमें लटपटार सब्जी बनानी है यानी कि सेमी ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है। तो इस तरीके से हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। अगर आपको ये सब्जी सूखी पसंद है तो आप सूखी भी बना सकते हैं बिना पानी डाले। इसे अच्छे से हमें लगातार चलाते हुए ढकते हुए भून लेना है। तो इस तरीके से ये सब्जी सूखी बन जाएगी, लेकिन मैं इस सब्जी को थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाने वाली हूँ यानी कि लटपटार सब्जी बनाने वाली हूँ। ये जो सब्जी है ना फ्रेंड्स, पूरी, पराठे, रोटी, चावल सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो
इस तरीके से हमें सब्जी को ढक कर लगभग 5 मिनट के करीब इसे पकाना है और बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है, चेक करते रहना है ताकि सब्जी जो है हमारी जले ना। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार आलू और बैंगन की सब्जी बनकर तैयार है। इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं यानी कि चला लेते हैं और आप देख सकते हैं आलू हमारा कितनी आसानी से कट रहा है, यानी कि हमारी सब्जी एकदम बनकर तैयार है। तो अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे गार्निश कर लेते हैं बारीक कटे हुए हरे धनिया से। धनिया आप जरूर डालें इस सब्जी में, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है धनिया का। इसे हम ढक देते हैं ताकि सब्जी में धनिया का फ्लेवर आ जाए। आधे मिनट के लिए मैंने सब्जी को ढक के रखा था तो इस तरीके से धनिया का जो फ्लेवर है सब्जी में बहुत ही बढ़िया से आ जाता है। तो धनिया को सब्जी के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए लाजवाब हमारी आलू बैंगन की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी पूरी पराठे राइस के साथ खाइए, किसी के साथ भी ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है और यकीन मानिए आप सभी को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार आप हरे वाले बैंगन को आलू के साथ इस तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप किस तरीके से आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और कहां से आप ये रेसिपी देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी यूनिक मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।